और फिर चलते हैं राजनांदगांव, जहां पर हाल ही में जो नक्सली मुठभेड़ जारी है और उसमें डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी जिले चलते हैं। उसके हिसाब से एक AK-47, एक कार्बाइन, 3 303 और इसके अलावा अन्य वेपन्स बरामद हुए हैं और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। उस इलाके की घेराबंदी करने के लिए और भी एक्स्ट्रा फोर्स भेजा गया है और फोर्स को और हमारा जो अभी दोपहर में भी एक और कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस वहां चलाया जा रहा है, उसकी तैयारी जारी है। जैसे जैसे अपडेट होगा आप लोगों को सूचनाएं दी जाएंगी। कुल मिलाकर सुरक्षा बलों की उस इलाके में एक लंबे समय के बाद एक बड़ी सफलता। इसमें हमारे 2-3 सुरक्षाकर्मियों को छर्रे लगे हैं और चोट लगी है, उनका प्राथमिक उपचार किया गया है और उनको अभी लाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े वेपन्स जो मिले हैं इससे साबित होता है कि बड़े कमांडर होंगे। अभी शिनाख्त होने के बाद ही आपको पूरे अपडेट्स बताए जाएंगे। वो इलाके में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए और बहुत सारी बातचीत अभी टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से मुश्किल से आ पा रही है सेटेलाइट फोन से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे अपडेट होगा मीडिया को यहाँ से जो हमारा प्रेस ग्रुप है उसमें हम फोटोज और अपडेट्स डालते जाएंगे। नहीं, राजनांदगांव में पहले भी पिछले सालों अच्छी सफलताएं मिली थी लेकिन ये बड़ी सफलता है। ये ऑपरेशनल सक्सेस को देखा जाए तो बोर तालाब और जो बाघ नदी का जो ये इलाका है ये एमसी जोन का इलाका है और इसमें प्रयास हम लोगों ने कई बार किया। पिछली बार हमारे एक दो सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुए थे उसी इलाके में, लेकिन ये वाकई बड़ी सफलता है और अभी उम्मीद है मुझे कि अभी जो इसके बाद का ऑपरेशन है वो भी चल रहा है, हो सकता है इसमें और सफलता। एक्सचेंज ऑफ फायर तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे करीब चला। हाँ, इतने बड़े कमांडर्स रहते हैं तो अब संख्या भी मुझे लगता है कि 50-60 के ऊपर रही होगी, लेकिन जो पार्टी वहाँ ऑपरेशन में थी उससे जब तक पूरी डिटेल बात नहीं हो जाए इस बारे में और कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी भी हमने उनको दूसरे इलाकों से भी घेराबंदी के लिए फोर्स भेजा है और IG और DIG दोनों को मौके पर भेजा है, वे लोग ऑपरेशन को भी मॉनिटर कर लाने का प्रयास कर। उम्मीद ये है कि 2 टेंट थे और उससे ऐसा लगता है कि वहां पर 40 से 50 माओवादी। तो इधर DGP DM अवस्थी जिन्हें राजनांदगांव में हुए जवानों और माओवादियों